अगर आप लोगों ने अपने करियर में ग्रोथ नहीं करी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली काम तो किए जा रहे हैं लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही, तो फिर आपको वो काम करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में करियर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे अगर एज एन एक्टर अगर आपकी बात कहें तो आपको अपने एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, आपको एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, द वे यू लुक, द वे यू डिफाइन योरसेल्फ, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जैस्मिन भसीन ने वो सब चीज़ें पूरी करके दिखाई है जो कि हमें उनके नए गाने में दिखती है, यानी कि यारो सब दुआ करो। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में, मैं हूं यारों का यार, आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली फॉलो करें। दोस्तों, जैस्मिन भसीन वो खूबसूरत ब्यूटी जो कि बिग बॉस सीजन 14 में आई थी, उससे पहले जैस्मिन भसीन एक जो हम देखते थे जैस्मिन भसीन को एक अलग लेवल पे देखते थे, मतलब कि हम देखते थे एक शाय सी, एक टिमिड, या फिर कह सकते हैं थोड़े से मंद मंद जैस्मिन को देखते थे। लेकिन शायद बिग बॉस करने के बाद जो उन्होंने पंख फैलाए हैं, मज़ा आ गया देखकर। बैक टू बैक जो गाने आए हैं उसमें उनकी एक्टिंग को देख लीजिए, इट्स ट्रेमेंडस। और अब जो गाना आया है इसके बारे में बात करते हैं। यारो सब दुआ करो जी पे रिलीज हुआ है, जी म्यूजिक कंपनी पे, और आपको बता दूं तो अपार शक्ति के साथ जैस्मिन भसीन नजर आ रही हैं। गाने की अगर जो फील की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को अपना कॉलेज डे का रोमांस याद आ जाएगा। कॉलेज डेज में जिस तरीके से लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते थे या फिर जिस कंडीशन में वो मिले, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जैस्मिन भसीन और अपार शक्ति खुराना इनके कैरेक्टर्स मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, और उसके बाद वो पूरी नोकझोंक, शैतानी, छेड़खानी, और प्लस जो करंट का सोशल मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस, ये सारी ही चीज़ें गाने में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई गई है। दोस्तों, जैस्मिन भसीन ने अपने करियर में इम्प्रूव करा है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करा है, अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करा है, और मैं कहना चाहूँगा कि इस गाने में जैस्मिन भसीन इज प्योर एंड प्योर नेचुरल, जिन्हें देख कर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपार शक्ति की बात करें तो रिफ्रेशिंग है अपार शक्ति को इस तरीके से देखना। अपार भाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, आई हैव मेट हिम, और वो दिल के भी बहुत ज़्यादा साफ इंसान है, और वो गाने में झलक दिखती है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को प्योर हार्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी काम बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। स्टेबिन बिन ने, मीट ब्रदर्स ने गाने को गाया है, कंपोज भी किया है, बहुत अच्छा जस्टिस किया है, मतलब कि जो पुराना गाना था यारो सब दुआ करो, उसी को ही ये लोग नई बॉटल में, वो कहते हैं ना पुरानी वाइन लेकिन नई बॉटल, वैसे ही लेकर आए हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग दे हैव डन गुड जॉब। यू मस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग, मेरी बात मानिए, गाने को ज़रूर सुनिए, गाने को अप्रिशिएट कीजिए और सपोर्ट कीजिए जितने से ज़्यादा है। सपोर्ट के मामले में मुझे मत भूल जाइए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। आपको कैसा लगा गाना ज़रूर बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करना।